शादी को 7 साल हो चुके थे पर इनको बच्चे की आशीष नहीं थी। 20 मार्च को जब पास्टर जी ने अनाउंस किया कि जिनके पास बेबी नहीं है वो लोग आगे आ जाएं। बहनों के पास बेबी नहीं है, मैं चाहती हूँ आगे आ जाएंगी वो। जैसे ही आगे आए पास्टर जी ने इनके गोद में फल डाला। और ये बता रहे हैं कि जब जैसी फल डाला उसके 4 महीने के बाद ही बहन प्रेग्नेंट हुए। पास्टर जी, बहन का नाम शबनम है और ये बहन बता रहे हैं कि इनकी शादी को 7 साल हो चुके थे पर इनको बच्चे की आशीष नहीं थी। ये बहन बता रहे हैं कि 7 साल में इन्होंने कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाए और 7 साल लगातार ये डॉक्टर के पास जाते रहे, मेडिसिन लेते रहे, लेकिन इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। पास्टर जी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और ये बता रहे हैं कि किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया और बहन ने चर्च में लगातार आना शुरू किया। और ये बहन बता रहे हैं कि 20 मार्च को जब पास्टर जी ने अनाउंस किया कि जिनके पास बेबी नहीं है वो लोग आगे आ जाएं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, मैं चाहती हूँ आगे आ जाएंगी वो। और जब बहन आगे आए तो ये बता रहे हैं कि जैसे ही आगे आए पास्टर जी ने इनके गोद में फल डाला। और ये बता रहे हैं कि जब जैसी फल डाला उसके 4 महीने के बाद ही बहन प्रेग्नेंट हुए। अब ये पूरे 3 महीने से प्रेग्नेंट है पास्टर जी। 7 साल से ठीक है ये प्रेग्नेंट नहीं थे। नहीं, और खुदावंत के छू जाने के द्वारा भवन में आने से प्रार्थना के द्वारा ये कंसीव ही नहीं कर पाए थे। परमेश्वर ने वो किया जो डॉक्टर्स नहीं कर सके, जो दवाइयां नहीं कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जब भरोसा खुदावंत पे, मैं बोल रहा हूँ आपका मुंह कभी भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करेगा। हालेलुया, तारीफ करो सभी। हालेलुया।